नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको लेकर एक बार फिर से हर तबके में चिंता का माहौल बढ़ गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था किस तरीके से लोगों के रोजगार गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, सड़कों पर आ गए थे और दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। लेकिन इन सबके बीच अब ऐसी स्थिति ना हो, इसको लेकर कुछ लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और ये आइडिया उन्हें पिछले साल से ही मिला है। ऐसे ही एक शख्स है, तमिलनाडु में बिरयानी का ठेला लगाते हैं। और आप कहेंगे कि भाई इसमें दिलचस्प बात क्या है, इसमें खबर क्या है? खबर ये है कि ये जो बिरयानी का ठेला लगाने वाले शख्स हैं, ये कोई और नहीं बल्कि एक महिला इसको चलाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो यहाँ पर आकर फ्री में खाना खा सकता है, फ्री में बिरयानी का सेवन कर सकता है। रेडियो जॉकी और एक्टर आरजे बालाजी ने बाकायदा इस बात की जानकारी दी है, ट्विटर पर इस इंफॉर्मेशन को साझा किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पुलियाकुलम में एक छोटी सी रोड साइड बिरयानी शॉप वाला कितना अच्छा काम कर रहा है, इंसानियत सबसे बेस्ट है। और फिर जब जांच पड़ताल की गई, वहां पर जाया गया, पता लगाया गया, तो फिर यही इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई कि इस स्टॉल पर उन लोगों को फ्री में खाना मिलता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या फिर जिनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, भूखे हैं, तो वो यहाँ पर आए, प्यार से खाना खाएं और चले जाएं। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर सामने आई, लोग इस शख्स की तारीफ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिरयानी यहाँ पर बैठकर कोई और बनाता है, जबकि महिला है एक जो इस पूरी शॉप का संचालन करती है। तो वाकई में ये बहुत अच्छी खबर है। वैसे हमने आपको इस तरह की कई खबरें दिखाई हैं, देश के कोने कोने से इस तरह की खबरें आती हैं और ये खबरें उन सभी के लिए मिसाल हैं जो लॉकडाउन में लोगों को वसूली करते हैं, उनको ठगते हैं। उन लोगों के लिए खासकर ये प्रेरणादायक कहानियां हैं जो ये कहीं ना कहीं सीख देती हैं कि ऐसे वक्त में जब हर शख्स परेशान है तो हमें एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आपको कैसी लगी ये कहानी और ये खबर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।